हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो ऐप है बहुत अमेजिंग है। आज की इस ऐप के लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छी एप्लीकेशन है, यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम आज की एप्लीकेशन को खोल देते हैं। दोस्तों, जैसे ही खोलेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये पेड भी है, लेकिन आप ट्रायल वर्जन यूज़ कीजिएगा इसका, पेड आपको यूज़ करना नहीं है। ओके दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे इंटरफेस देखने को मिलेगा। बहुत क्लासिक एप्लीकेशन लगती है मुझे ये, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। इसके बारे में बहुत कुछ बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको फुल ट्यूटोरियल बताऊँगा इसके बारे में। ओके दोस्तों, अब दोस्तों जैसे कि आपको इफेक्ट डालने हैं अपनी किसी भी पिक पर, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत सही है। जैसे कि मैं स्पायरल पर जाता हूँ दोस्तों, गैलरी पर क्लिक करता हूँ, मैंने कुछ फ़ोटो डाउनलोड कर रखे हैं। मैं बताता हूँ मैंने जो डाउनलोड कर रखे हैं उन पे मैं किस तरीके से एडिटिंग करता हूँ। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, आपने इस लड़की को देखा होगा, इसे अवनीत कौर नाम है इसका, जो टिकटॉकर भी है और इंडियन एक्ट्रेस भी है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप चाहें तो बहुत सारे इस तरीके से इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं आप भी अपनी फ़ोटोज़ पर। ये PNG इमेज है, आपको अपनी PNG इमेज बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। PNG कहने का मतलब है दोस्तों, बैकग्राउंड आपको क्लियर करना है, वैसी इमेज है ये। ओके दोस्तों, बैकग्राउंड बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, तो आप भी इस ऐप की मदद से बना सकते हैं। आपको उसके लिए मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ एक क्लिक पर पूरा बैकग्राउंड वाइट कर देगा आपका, बिल्कुल PNG इमेज बना देगा। ओके दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेंगे, आपको डाउनलोड हो जाएंगे और इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत कूल फीचर्स हैं, आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब करते हैं बैकग्राउंड की बात। तो देखिए, जो मैं बता रहा था बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो वो ये ऑप्शन है जिस पे मैंने क्लिक किया है। ओके दोस्तों, आपके पीछे कितना भी कुछ भी लग रहा होगा, इस पर क्लिक करके सारा बैकग्राउंड ये साफ़ कर देगा। ओके दोस्तों, और आप चाहें तो इन बैकग्राउंड को जो यहाँ पे गिवन है इनको यूज़ कर सकते हैं, और अपने पिक को छोटा बड़ा करके यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ओके दोस्तों, बहुत कूल है ये एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है मुझे, मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ। देखिए दोस्तों, फ्री वाले तो मैंने यूज़ कर लिए, लेकिन प्रो वाले आप यूज़ नहीं कर सकते, तो इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत अमीर हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे परचेस कर सकते हैं। अनडाउटेडली अगर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट यूज़लेस है, बहुत आपका काम हो जाएगा आप जितने भी अगर इन केस इसे परचेज करते हैं तो। ओके दोस्तों, वैसे मैं मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप फ्री वर्जन यूज़ करें। ओके दोस्तों, उसके अलावा मोशन वगैरह के भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, डेंसिटी वगैरह, ओपेसिटी, ये धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। ओपेसिटी वगैरह अगर आपको बढ़ानी होती है, डेंसिटी कम या ज़्यादा करनी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लरिंग का ऑप्शन है, ब्लरिंग का ऑप्शन दोस्तों बैकग्राउंड ब्लर कर देगा बिल्कुल, देखिए इस तरीके से कूल बना देगा आपके पिक्स को, देखिए कितना सही कर दिया इसने, तो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ये। ओके दोस्तों, इसके अलावा बैक आ जाते हैं दोस्तों, और देखते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं इसके। चलिए अभी इसे अप्लाई कर देते हैं, हमने इसे अप्लाई कर दिया है। ओके दोस्तों, कंटिन्यू एडिटिंग, एडिटिंग पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, स्क्वायर वगैरह, ये सारे ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से स्क्वायर का। ओके दोस्तों, स्केचिंग, स्केच में अगर देखिए, मैं बता देता हूँ, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्केचिंग फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए इस तरीके से कितना कूल है दोस्तों ये। ओके दोस्तों, ये करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं ये। ओके दोस्तों, टूल्स हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, लेफ्ट करना है, राइट करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, तो वो आप कर सकते हैं, इनसाइड, फिल, व्हाटएवर व्हाटएवर। ओके दोस्तों, यहाँ अगर आपको इमोजीज लगानी है तो इमोजीज आप यूज़ कर सकते हैं, हर्ट की इमोजीज लगानी है या फिर जो भी आपको यूज़ करनी है। ये डिफ़ॉल्ट बहुत सारी इमोजीज गिवन हैं यहाँ पे, इनको डाउनलोड कीजिए और ये डाउनलोड फ्री में हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ओके, और इसके अलावा बैकग्राउंड क्रॉप करना है, ब्लरिंग करना है जो पहले ही मैं बता चुका हूँ, टेक्सचर चाहिए इस तरीके से, तो आप इसे भी देख सकते हैं, बहुत कूल हैं ये, इसके इफेक्ट्स देखिए, ये करना चाहते हैं वो, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस लेवल की एडिटिंग जानते हैं। एडिटिंग तो आपको कुछ करनी नहीं है, सिर्फ आपको इनको यूज़ करना है। ओके दोस्तों, टेक्स्ट अगर देना है तो टेक्स्ट दे सकते हैं, बहुत कूल है ये एप्लीकेशन। ओके दोस्तों, मज़ा आएगा अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ड्रिप, स्केचेस वगैरह, स्केचेस पे जाएंगे तो आपकी जो इमेज है वो स्केच जैसी हो जाएगी, कोलाज बनाना चाहते हैं तो कोलाज बन जाएगी, ड्रिप
और ड्रिप अप के कुछ होता हुआ मैंने सारी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं दोस्तों। पोर्ट्रेट मोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड का मतलब तो हर किसी को पता होता है, डबल एक्सपोजर भी मिल जाता है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन है और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन और सारे भी दे रखे हैं, जैसे कि मिरर सर मिरर यानी कि मिररिंग इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे मिररिंग इमेज बना सकते हैं, स्टिकर जैसा चाहिए तो वो बना सकते हैं। तो काफ़ी कूल है ये एप्लीकेशन। ओके दोस्तों, यूज़ कीजिएगा, मज़ा आएगा, अच्छी एप्लीकेशन है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग बहुत सारी ऐप्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।